सब संतर ही बन जाए तो संतों का स्वागत कौन करेगा, अभिवादन कौन करेगा, उनका इज्जत कौन करेगा? ये समझो पान सुर्ति नहीं छोड़ सकता, उसके लिए माया और मोह छोड़ा देखते हुए गिर सकता। इस जगह है जो यज्ञ चल रहा है महायज्ञ लक्ष्मी यज्ञ और आपका अमृत कथा और उसके बाद भंडारा, ये तीनों के समागम है हमारे देश की और प्रदेश की और हमारे जनपद की आर्थिक उन्नति का स्रोत बनेगा। और कुछ न कुछ जितने भी सत्ता में लोग बैठे हुए हैं उनको एक मनोवैज्ञानिक बल देगा, लोगों के लिए आर्थिक उन्नति का साधन बनेगा। युवा बनने से ये होता है कि आपके पर्सनल के साथ साथ आपकी जो सामाजिक और आर्थिक उन्नति है सभी के लोगों का, पर्सनल के साथ साथ सामाजिक लोगों का आर्थिक उन्नति। शहर के मध्य में इसको इसलिए आयोजन किया गया है कि सभी लोगों को इसको लाभ मिले और सब लोग इससे लाभान्वित हुए। यहाँ पे नारियल से 108 फेरे देंगे, उसमें संतान उत्पत्ति के स्रोत है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपेश वर्मा, प्रदेश मंडल मंत्री अतिरिक्त उद्योग व्यापार मंडल। इससे हमने ये स्टार्ट किया यहाँ पे हवन और सवंदी स्टार्ट हुआ है यहाँ से। हमें तत्काली लाभ, हमारे जो मूलभूत यहाँ पे संसाधन है, यहाँ पे व्यापार है, उसमें जो दिक्कतें आ रही थी उसमें दूर होने का आशा दिख रहा है। यहाँ के जितने भी मतलब प्रतिनिधि हैं वो जाके लखनऊ में लोगों के साथ उच्च पदाधिकारियों के साथ बैठ के निस्तारण करने का प्रयास किए और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी आपकी दिक्कतें आ रही थी कि वे भी करके उपहास करने लगे। अरे बाबा को कुछ आता नहीं है, बस खाने चल देते हैं, बढ़िया माल छानने को मिलता है, खूब खाते पीते हैं और ढोंग रचाए रहते हैं। और उन संतों के मध्य एक संत थे दुर्वासा जी, जो कि क्रोध के ही अवतार है, इससे बड़ा भला बुरा बोल रहे हैं। तब उन्होंने श्रापित करते हुए कह दिया कि जनिष्यति भो मंद कुशलम कुलनाशनम। दुर्वासा जी, तो मैं तुझे श्राप देता हूं, इसके गर्भ से एक मुसल पैदा होगा जो तुम्हारे बालक के उन्हें क्या पता था बहकावे में। आखिर उनके श्राप से ये मुसल निकला है तो बड़ा खतरनाक होगा।